तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग जीएस 47। मैं हूं सिज्जल। तो इस वाला जो संडे राइड का वीडियो है उसमें गोप्रो का कुछ माइक प्रॉब्लम है, सो इसलिए अगली बार की तरह मैं इस वीडियो में भी ओवर वॉइस डाला हूं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें माइक प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि माइक का जो प्रॉब्लम था वो मेरा वजह से हुआ। मैं माइक का जैक को पूरी तरह से इनपुट नहीं किया था, गलती मेरा ही है। सो जो भी हो, अगले वीडियो में माइक का प्रॉब्लम सही हो जाएगा। और देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस वीडियो के बाद बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है। मैं हर चीज़ का, मेरा दुकान का जो प्रोडक्ट है, मैं हर चीज़ का रिव्यू करूंगा, कौन सा अच्छा होगा कौन सा नहीं होगा सब कुछ का रिव्यू करूंगा। तो देखते रहिए। गाइज, आज बहुत दिन बाद राइड में निकला हूँ, मतलब निकल रहा हूँ। आज मैं मेरा ट्रेनर को लेने लेके जाने वाला हूँ, और साथ में जाने वाला है आरसी, जाने वाला है। मेरा आरसी बहुत दिन से निकला नहीं था, इसलिए आरसी भी निकल लिया हूँ, और ट्रेनर और भाई का आरसी जाएगा, और उधर से और एक ड्यूक 390 ऐड होगा, और फोर्ड भी है ये भाई का। तो सबके अभी जाने वाले हैं, थोड़ा फोटोशूट वगैरह होगा, उसके बाद अभी निकलते हैं थोड़ा। तो हम लोग का प्लान में थोड़ा चेंजेस आए, क्योंकि कल रात को प्लान हुआ था कि हम लोग जाएंगे राइड में, संडे राइड में। तो अभी थोड़ा जल्दी निकल गया हूँ, तो इसलिए थोड़ा फोटोशूट वगैरह कर लूँगा जाके पहले गंगाधर की तरफ। गाइस, हम लोग का सब भाई कभी NA6 पे आ गया है, तो मेरा ट्रेनर है, सामने आरसी है, उधर आरसी है, उधर RTR4 भी है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं उलवेरिया, उलवेरिया से सुमित ज्वाइन होगा, तो उधर की तरफ अभी जा रहे हैं। और सामने जो RTR में बैठा है वो अपना SD कैम लगा के बैठा हुआ है, शूट करना है उसको, सो वो सारा रास्ता शूट ही करेगा। देखिए दिखाई दे रहा है, तो अभी चलते हैं उलवेरिया पर, मिलते हैं। तो गाइस अभी आके सब लोग खड़े हैं, और सुमित को लाने RC गया है अर्पण, और इधर फोटोशूट चल रहा है इसका, अभी तक फोटोशूट इसका ख़त्म नहीं हुआ। और ये बाइक का लाइनअप है, तीन बाइक और एक बाइक गया है, साथ में ड्यूक 390 को लाने वाला है। सो अभी वेट करते हैं इधर। भाई तेरा फोटोशूट हुआ है, चल रहा है। हम लोग का 5 बाइक जाने वाले थे, और एक 220 ऐड हो गया है विशाल भाई का, वो पहले से नहीं आया था, सो अभी ऐड हो गया है। सो इधर 3 बाइक है, 4 एक इधर 5, सो चलते हैं अभी। सो चलिए, जय श्री कृष्णा। सामने रास्ता खाली है, और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि एक सामने ट्रक है और पूरा रास्ता खाली है, तो थोड़ा ज़ोर से भगाते हैं, देखते हैं कैसे हो रहा है, मतलब किस तरह मज़ा आ रहा है। अभी आप पहुंचा हो बीरसिंहपुर, ये जो भारत पेट्रोलियम का पंप है, ये सब बहुत बड़ा पंप है इधर। तो इधर से फ्यूल आप कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा फ्यूल का लेवल बहुत ही कम है, तो किसी भी वक्त रिजर्व हो सकता है, तो इसलिए फ्यूल डलवाने आ गया। माय गॉड, तुर्रा मार्क्स नहीं है, मैं तुरा को पकड़ो, पकड़ के खिलाओ उधर के। तुम घंटा यार की। सो गाइस, इसको अभी फूड टैंक करवा रहा हूँ,
और ये आरसीबी अभी पीने वाला है, लेकिन ये शायद फुल टैंक नहीं पिएगा। भाई कितना पिलाएगा तू? जितना पिलाएगा तुम जितना पिलाएगा उतना ही वो पिएगा, ठीक है। सो अभी फुल टैंक हो रहा है, देखे वो कितना रुपये में होता है, क्योंकि अभी तेल बहुत ही महंगा रहा है। भाई स्पीड दी चुकी ना, चलो चलो स्पीड दो, स्पीड दो, ज्यादा ऐसी स्पीड दो, এদিকে কত 11 লিটার চলে গেছে তো থাক না, স্পিড মেরে দাও না, তে এটা স্পিডের জন্যই, এটা স্পিডের জন্যই, থাক এবার ওটা কাউন্ট কর কত টাকা হয়েছে বলো, স্পিড কাউন্ট। আমি এসে ফার্স্টে বললাম না স্পিড, তবে হামেশা এই গড়বড় হতা দেনে সে পেলে আপ মতলব সবকো নোটিস কর দেনা হোগা কি স্পিড চাইয়ে। মে আকো আকে আঙ্কল কো বোল দিয়া থা কি স্পিড মিলেগা, লেকিন আঙ্কল নে গলতি সে পেট্রোল ডালওয়া দিয়া, সো সহি হ্যায় কোই বাত নাই, ইসকো উপর স্পিড ডাল লেতে হ্যায়। ऑलमोस्ट भर्ती हो ही गया है, चलो चलो तो सब करीबी दोस्त मिल के, सब जान पहचान वाला दोस्त मिल के अभी जा रहे हैं इस राइड पे, तो राइड का मज़ा ही कुछ अलग है। मैं तो पूरी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो दोनों बाइक है वो मेरा ही साथ है। अभी टेनर मेरा हाथ में है और वो जो RC390 है PS3 वाला मॉडल वो मेरा ही है, मैं भाई को दिया हूँ चलाने के लिए। सो मज़ा ही आ रहा है मेरे को तो, बहुत मज़ा। मेरा दोस्त लोग जो है बहुत टाइम से भगा रहा है, मेरा सामने से इधर से जा रहा है उधर से जा रहा है, तो मेरे को भी मन किया, रास्ता भी सामने खाली है तो मेरे को भी भगाना है, क्योंकि और मैं वेट कर नहीं पा रहा हूँ, मैं भी भगाऊँगा। अरे सचमुच मैं सोचा नहीं था कि 245 टच कर जाएगा, इतना जल्दी से टच कर जाएगा, मतलब थोड़ी सी भगाया और इतना जल्दी से टच कर गया 245। बाप रे बाप, कितना रॉ पावर है इसका, कितना कितना रॉ पावर है मैं सोच रहा हूँ। तो हम लोग अभी कोलाघाट आ पहुँचे हैं और हम लोग लेफ्ट साइड जा रहे हैं कोलाघाट रिवर साइड, और जो स्ट्रेट रोड है ऊपर से वो रोड टूअर्ड्स जाता है शेरे पंजाब। सो हम लोग अभी लेफ्ट साइड वाला रोड से जाएँगे नदी किनारे, देखेंगे उधर का नज़ारा कैसे है, और उधर एक होटल है, होटल सोनार बंगला, तो उधर तक जाएंगे, देखेंगे ये खुला है या नहीं है, नहीं तो उधर नाश्ता कर लेंगे, अगर उधर खुला नहीं होगा तो शेरे पंजाब जाने पड़ेगा। ओ भाई इधर का नज़ारा देखिए, एकदम ब्यूटीफुल, बहुत ही मस्त नज़ारा है, मैं पहले भी इधर आ चुका हूँ, देखिए और इधर का नज़ारा देखिए, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल है इधर का नज़ारा, बहुत अच्छे है। मतलब कभी कभी पानी इधर का सूख जाता है ना, तो बीच तक आप जा सकते हैं, क्योंकि बीच में अभी मतलब सूखा पड़ गया है, साफ नज़र आ रहा है। और मैं भी गया हूँ पैदल इधर से, पानी सूख गया था एक बार, गया था उधर तक। सो इधर का अगर वीडियो ले पा, मतलब उधर का वीडियो शूट होगा होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अभी उधर पानी है इसलिए जा नहीं पाऊँगा। सो इधर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इधर। हाँ गेट पे बहुत ही बड़ा सा लॉक है, शायद इधर एंट्री करने में नहीं देगा, क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है। सो गाइस अभी लाइनअप देखिए पूरा प्रॉपर तरह से हुआ है, सही तरह से 220 RC390 BS4 सॉरी ड्यूक 390 BS6, ये मेरा वाला RC390 है BS3 का, और
फोर का जेड एक्स टेनर है और ये आर टी आर फोर भी है वीएक्स सिक्स वाला है। सो अभी सही तरह से लाइन अप हो गया है और अभी कुछ फ़ोटो शूट वगैरह करके अभी हम लोग निकल जाएंगे शेरे पंजाब, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगा है अभी। सो गाइज फ़ोटो शूट देख लेते हैं। गाइज फाइनली इतना देर बाद हम पहुंच रहे हैं कोलाघाट पे। सो हम लोग सब कुछ गए थे, पहले नीचे से गए थे और मतलब नीचे वाला उस रोड से गए थे और लेकिन अभी जा रहे हैं कोलाघाट टूवर्ड्स शेरे पंजाब। सो सब कोई भाई का पीछे है, कोई आगे है, मैं बीच में हूँ। भाई अभी तब से पकड़ा है वो सेल्फी स्टिक में अपना ऐसे कैम फिट किया हुआ है, तब से लेकर वीडियो शूट किया जा रहा है, मालूम नहीं वो कितना शॉट लेगा। तो जो भी हो लोग अभी चलते हैं, मिलेंगे शेरे पंजाब पे। बहुत जोर से भूख लगा था तो अभी सबका चाय से आ गया और आलू परोठा भी आ गया है, भाई लोग फोटो भी कर रहा है और चाय का फोटो भी कर रहा है और इधर भाई लोगों ने आधा ब्रेकफास्ट कर लिया है, कोई ब्रेक कर लिया है और कुछ अलावा विशाल भाई को पूरा खत्म होने वाला है, उसके साथ और एक लगा जाना ना। तो अभी चाय से खा के जल्दी निकलेंगे क्योंकि 10 बजने ही वाला है। और सो गाइज मैं अभी फ्लाई बाई बनने जा रहा हूँ। गाइस तो मेरा गोप्रो का बैटरी सेस हो गया था और फोन का बैटरी लेके मैं अभी ब्लॉक कर रहा हूँ और अभी घर पहुँचने वाले हैं, 10 बजने ही वाला है ऑलरेडी। तो चलते हैं, बाकी मिलते हैं घर का रास्ते पे। आज का राइड सही सलामत हुआ, सब कोई सही से गया, सब कोई आया और ब्रेकफास्ट भी हो गया। एक बाइक अभी मतलब पीछे से घुस गया है और वो आरसी आ रहा है, आरसी का राइडर फोर भी राइड कर रहा था, फोर भी का राइडर आरसी राइड कर रहा है। मेरा बेलू भी आ गया, तो गाइस इस हंड्रेड का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब करना ट्रैवलिंग जीएस 47, बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। अच्छा लगे तो लाइक करना और भी अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करना जरूर। तो देखते रहिए ट्रैवलिंग जीएस 47, मैं आगे भी बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लाने वाला हूँ। सो देखते रहिए,
बाय बाय।